हिमाचल प्रदेश को ये साबित करना चाहिए कि वो 6 जून के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी छोड़ रहा है। ये बात अपर यमुना रिवर बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कही है। बोर्ड का कहना है कि वो ये अनुमान लगाने की स्थिति में ही नहीं है कि हिमाचल प्रदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहा है या फिर नहीं। अपर यमुना रिवर बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया है। अपर यमुना रिवर बोर्ड का ये रुख ऐसे वक्त में सामने आया है जब दिल्ली जल संकट से जूझ रही है। वहीं हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उनकी सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ने के लिए तैयार है। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर हलफनामे में UIRB ने हिमाचल प्रदेश द्वारा हरियाणा को भेजे गए एक पत्र का हवाला दिया है। इसमें हिमाचल सरकार ने कहा है कि उसके हिस्से का पानी पहले से ही हथिनी कुंड बैराज में निर्बाध रूप से बह रहा है। हरियाणा को इसे दिल्ली के लिए छोड़ना चाहिए। हिमाचल के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली को पर्याप्त पानी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि एग्रीमेंट के अनुसार हिमाचल के द्वारा दिल्ली के लिए पर्याप्त पानी छोड़ा जा रहा है। हमने पानी छोड़ा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी देने की बात हमने वकीलों को कही है। जो हमने पानी छोड़ा हुआ है तो उसमें हम तो देने को तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्यों लताड़ लगाई है हमें समझ नहीं आ रहा। जब हमने पानी छोड़ने का आदेश दे दिया है और निश्चित रूप से पानी हरियाणा से होकर जाएगा, हमारा पानी कोई हम रोक के थोड़ी रखे हैं। हम तो बोलते हैं और जितना पानी लेना, दिल्ली भी हमारी राजधानी है, इस देश के नागरिक दिल्ली में भी रहते हैं और हमारा दायित्व भी बनता है, ये पुल का काम भी है। तो इसमें अभी मुझे इस बारे के फैसले का पता नहीं है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने इस बात को कहा है, और अगर ऐसी बात है तो हम उनको आश्वासन देते हैं कि हमारे पानी छोड़ा, हमने कोई रोका हुआ है। और ये किसने गलत जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी, मैं उस बारे में भी जानकारी प्राप्त हूँ। पिछले कुछ साल से दिल्ली में पेयजल संकट को लेकर त्राहिमाम है। पानी को लेकर दिल्ली की निगाहें हिमाचल पर रहती है। पिछले कुछ दिनों से भी इस मामले में काफी हलचल हो रही है। दिल्ली प्यास बुझाने के लिए हिमाचल से पानी की मांग कर रहा है। हिमाचल सरकार ने साफ किया है कि सिरमौर की तरफ से बहने वाली यमुना नदी से हिमाचल पानी नहीं रोक रहा है और हिमाचल से 137 क्यूसेक पानी हरियाणा की तरफ जा रहा है। इन दिनों भीषण गर्मी के चलते हिमाचल में भी पानी का संकट है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के चलते योजनाओं का जल स्तर भी गिर गया है। ऐसे में लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है और कई किलोमीटर दूर प्राकृतिक स्रोतों का सहारा पाने के लिए लेना पड़ रहा है। संबंधित क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सरकार को हर साल होने वाली परेशानी का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। जल शक्ति विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक यमुना नदी पर किसी तरह की कोई पेयजल व सिंचाई योजना ही नहीं है, लेकिन यमुना नदी की सहायक नदियां गिरी, बाता व टोंस आदि पर स्थित पेयजल योजनाएं हजारों की आबादी के हलक तर कर रही है। तो वहीं सिंचाई योजनाएं किसानों के लिए वरदान बनी है। उत्तराखंड क्षेत्र से यमुना नदी पौंटा साहिब के खादर माजरी में प्रवेश करती है। यहां पहुंचने के दौरान यमुना में पानी की मात्रा कम ही होती है। सहायक नदियों टोंस, गिरी व बाता के मिलने के बाद जल स्तर बढ़ता है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यमुना नदी की सहायक नदियों गिरी, बाता व टोंस पर सीधे तौर पर व इनके सहायक खड्डों पर करीब 361 पेयजल योजनाएं स्थापित की गई है। ये योजनाएं शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों की आबादी की प्यास बुझाती है। नौराधार मंडल में गिरी नदी पर 27 पेयजल योजनाएं, नाहन मंडल में 14, टोंस नदी व सहायक खड्डों पर शिलाई मंडल में 257 पेयजल योजनाएं, पौंटा साहिब मंडल में 25 तथा राजगढ़ मंडल में गिरी नदी व सहायक खड्डों पर 38 पेयजल योजनाएं चल रही है। इसके अलावा उक्त सहायक नदियों पर कुल 147 सिंचाई योजनाएं चलाई जा रही है। हालांकि आबादी व जमीन को देखते हुए ये योजनाएं यहाँ ना के बराबर है। अधिकतर कृषि बारिश पर निर्भर रहती है, तो ऐसे में दूसरों की प्यास बुझाने वाला हिमाचल खुद पानी के संकट से जूझ रहा है। लोगों को पर्याप्त पानी ही नहीं मिल रहा है। नदियाँ अब सूखने लगी है और लोगों में हाहाकार मच चुका है, जिसके लिए हिमाचल को भविष्य में ध्यान देने की जरूरत है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।